वंदे मातरम दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल युवान एकेडमी पे आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर जो है समाजवाद एवं साम्यवाद, उसका सारा ऑब्जेक्टिव लगभग 51 ऑब्जेक्टिव लिए हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारा ऑब्जेक्टिव, इसलिए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ, जर्मनी में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, पोलैंड में। तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था ये कहाँ हुआ था, जर्मनी के राइन प्रांत में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई रूस में, फ्रांस में, जर्मनी में, लंदन में। तो प्रथम इंटरनेशनल की जो स्थापना हुई थी वो कहाँ हुई थी, लंदन, इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन है कि साम्यवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवन, सेंट साइमन, मार्क्स एवं एंगेल्स। कार्ल मार्क्स और एंगेल्स दोनों ने साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन किया था, ठीक है। ऐसा नहीं कि कार्ल मार्क्स, देखिएगा उसमें ठीक कर दीजिएगा, यहाँ कार्ल मार्क्स और इसके साथ एंगेल्स दोनों मिलकर जो है साम्यवादी घोषणा पत्र तैयार किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मार्क्स एवं एंगेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चार नंबर क्वेश्चन है कि साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ, 1830 में, 1883 में, 1848 में, 1857 में। तो साम्यवादी घोषणा पत्र जो है इसका प्रकाशन 1848 में हुआ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाँच नंबर क्वेश्चन है कि 1919 ईस्वी में तृतीय इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई, जेनेवा, मास्को, पेरिस, इटली। तो ये इसकी जो तृतीय इंटरनेशनल की स्थापना जो हुई थी कहाँ हुई थी, मास्को में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। छः नंबर क्वेश्चन है कि वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी, फ्रेडरिक एंगेल्स, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स, इनमें से कोई नहीं। तो वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की जो व्याख्या किया था वो कौन किया था, कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सात नंबर क्वेश्चन है, पूरा वीडियो देख लीजिएगा, इसके बाद एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला, ठीक है। सात नंबर क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ, 1844 में, 1848 में, 1864 में, 1867 में। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की जो प्रकाशन हुआ कब हुआ था, 1848 में, ऑप्शन नंबर डी। इसी को क्या कहते हैं, साम्यवादी घोषणा पत्र भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आठ नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ, द्वितीय इंटरनेशनल कब बना, 1848 में, 1890 में, 1889 में, 1830 में। तो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी, 1889 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नौ नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी प्रथम इंटरनेशनल कब स्थापित हुआ, 1870 में, 1864 में, 1871 में, 1890 में। तो प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना जो है कब हुई थी, 1864 में हुई थी, और द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना 1889 में हुआ था, दोनों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दस नंबर है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक थे मैक्सिम गॉर्की, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स, कार्ल मार्क्स, लियो टॉल्स्टॉय। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यानी साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे, कार्ल मार्क्स और एंगेल्स दोनों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि किसने साम्यवादी किसे साम्यवादियों का बाइबल कहा जाता है, अप्रैल थीसस को, सोशल कॉन्ट्रैक्ट को, दास कैपिटल को, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को। तो क्या कहते हैं, किसको कहा जाता है, तो दास कैपिटल को, जो साम्यवादी को का बाइबल कहा जाता है, किसको कहा जाता है, दास कैपिटल। और दास कैपिटल की रचना कौन किया था, तो कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स, लाला लाजपत राय, लुई ब्लॉक। तो क्या कहते हैं, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का जो प्रतिपादन किया था वो कौन किया था, तो वो कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, पोलैंड। अभी जस्ट बताए थे जर्मनी, ये रिपीट हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर की दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ, 1848 में, 1864 में, 1867 में, 1883 में। तो दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट कौन किया था, तो कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था। 15 नंबर क्वेश्चन है कि रूस के सांसद को कहा जाता है, पार्लियामेंट, संसद, ड्यूमा, इनमें से कोई नहीं। तो रूस के सांसद को ड्यूमा कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि खूनी रविवार किस तिथि तथा किस वर्ष हुआ था, 3 जनवरी 1905 को, 9 जनवरी 1905 को, 6 जनवरी 1905 को, 8 जनवरी 1905 को। खूनी रविवार जो हुआ था ये 9 जनवरी 1905 को हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपुतिन कौन था,
समाज सुधारक, भ्रष्ट पादरी, दार्शनिक, वैज्ञानिक। तो राष्ट्रपुतिन जो था एक भ्रष्ट पादरी था। क्या था? भ्रष्ट पादरी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 नवंबर क्वेश्चन कि रूस का पहला समाजवादी था लेनिन, टॉलस्टॉय, प्लेखानोव, स्टालिन। तो रूस का जो पहला समाजवादी था वो कौन था? प्लेखानोव। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? पीटर, अलेक्जेंडर प्रथम, निकोलस प्रथम, निकोलस द्वितीय। तो रूसी क्रांति के समय किसका शासन था 1917 में? तो निकोलस द्वितीय का शासन था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निहिलिस्ट आंदोलन कहाँ शुरू हुआ है? रूस में, जापान में, इंग्लैंड में, सॉरी हॉलैंड में, इंग्लैंड में। तो निहिलिस्ट आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी कहाँ से हुई थी? रूस से हुई। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई? 1961, 1917, 1883, इनमें से कोई नहीं। तो रूस में जो सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1883 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई? फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1918, दिसंबर 1918। तो क्या कहते हैं, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 में हुई। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ 1861 में, 1862 में, 1860 में, 1870 में। तो रूस में जो कृषक दास प्रथा था उसका अंत 1861 में हुआ था। कब हुआ था? 1861 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया? वार्ता का, हड़ताल का, विरोध का, आतंक का। तो रूस में जो निहिलिस्टों ने सुधार के लिए जो आंदोलन का मार्ग अपनाया था वो आतंक का अपनाया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि रूस में जार का अर्थ होता है पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी का पात्र, रूस का सामंत, रूस्ट का सम्राट। तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस्ट का सम्राट, रूस का सम्राट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन रिपीट कर गया है इसलिए 27 पे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती? फरवरी क्रांति, अप्रैल क्रांति, अक्टूबर क्रांति, नवंबर क्रांति। तो 1917 की जो पहली रूसी क्रांति थी उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो फरवरी क्रांति के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि 1918 में किस राष्ट्र के साथ की? इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली। तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि, ऐसे भी पूछा जाता है संबंध किससे है, तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि का संबंध किससे हो गया? तो लेनिन से हो गया। ये भी पूछा जाता है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि कब हुई? तो 1918 में हुई थी। दोनों याद रखना, किससे कौन संबंधित है? तो लेनिन संबंधित है। और कब हुआ? तो 1918 में हुआ। और किसके बीच हुआ? तो जर्मनी के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? जर्मनी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जर्मनी, रूस एवं जर्मनी दोनों के साथ हुआ था ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि अप्रैल थीसस किसने तैयार की? लेनिन, ट्रॉटस्की, स्टालिन, कार्ल मार्क्स। तो अप्रैल थीसस कौन तैयार किया था? तो लेनिन के द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 30 नंबर पे लाल सेना का गठन किसने किया था? कार्ल मार्क्स, स्टालिन, ट्रॉटस्की, करेंसी की। तो लाल सेना का जो गठन किया था वो ट्रॉटस्की के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ट्रॉटस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ? रूस और इटली, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, रूस और जर्मनी। तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जो 1918 में हुआ था लेनिन के द्वारा, वो किसके बीच हुआ था? रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि कॉमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य था सैन्यवाद का प्रचार, साम्यवाद का प्रचार, पूंजीवाद का प्रचार, समाजवाद का प्रचार। तो कॉमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य जो था मुख्य, वो था साम्यवाद का प्रचार करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है कि काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप में सबसे पहले कहाँ मिला? सोवियत संघ में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, फ्रांस में। तो काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार सबसे पहले मिला था सोवियत संघ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है कि चेका क्या था? सेना की टुकड़ी, पुलिस दस्ता, पादरी वर्ग, श्रमिक वर्ग। चेका एक पुलिस दस्ता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुलिस दस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है कि भूमि, शांति और रोटी, यह तीनों नारे किसने दिए? लेनिन ने, ट्रॉटस्की ने, स्टालिन ने, कार्ल मार्क्स ने। ये तीनों जो नारा था, भूमि, शांति, रोटी, ये लेनिन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
36 नंबर क्वेश्चन है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, रूस में, जापान में, चीन में, क्यूबा में। तो साम्यवादी शासन का जो पहला प्रयोग हुआ था वो रूस में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था कॉल मार्क्स, स्टालिन, लेनिन, ट्रोटस्की। तो नई आर्थिक नीति NEP जिसका जो जन्मदाता था कौन था, लेनिन था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन है कि नई लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की, 1921 में, 1922 में, 1923 में, 1924। तो नई लेनिन के द्वारा जो नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई थी वो कब किया था, 1921 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई, 1921 में, 1922 में, 1923 में, 1924 में। तो लेनिन का मृत्यु कब हुआ, 1924 में हुआ था, ठीक है। नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ, तो 1921 में हुआ था। किसके द्वारा, तो लेनिन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ, 1991 में, 1985 में, 1964 में, 1952 में। तो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था 1991 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है कि वार एंड पीस किसकी रचना है, कॉल मार्क्स, टॉलस्टॉय, दस्तोवस्की, एंजल्स। तो वार एंड पीस किसकी रचना है, तो इसकी ये जो रचना है ये किसकी है, टॉलस्टॉय की है, वार एंड पीस। तो ऑप्शन नंबर क्या कहते हैं, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टॉलस्टॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 4 जून, 1 दिसंबर, 15 मार्च, 8 मार्च। ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है, इसका हम नहीं बताने वाले, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ, 1815 में, 1818 में, 1825 में, 1838। कॉल मार्क्स का जो जन्म है जर्मनी के राइन प्रांत में हुआ था, कब हुआ था, 1818 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है कि समाजवादी दर्शन किस बात पर बल देता है, राजनीतिक समानता पर, नागरिक समानता पर, कानूनी समानता पर, आर्थिक समानता पर। समाजवादी दर्शन जो है आर्थिक समानता पर बल देता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है कि कॉल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र का प्रकाशन किया, जेन, दोस्तोवस्की, एंजल्स, टॉलस्टॉय। कॉल मार्क्स जो कम्युनिस्ट घोषणा पत्र का प्रकाशन किया था वो किसके साथ मिलकर प्रकाशन किया था, तो एंजल्स के साथ मिलकर तैयार किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए, एंजल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है कि जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की थी, इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी। तो जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जो थी ये किस देश की थी, तो ये ऑस्ट्रिया की थी। ये भी पूछा जाता है कि जार निकोलस द्वितीय की पत्नी कौन थी, तो जरीना थी, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 47 नवंबर क्वेश्चन है कि 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व कौन किया था, कॉल मार्क्स, लेनिन, ट्रॉट्स्की। तो 7 नवंबर 1917 की जो बोल्शेविक क्रांति थी इसका नेतृत्व कौन किया था, तो लेनिन ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है कि ये रिपीट कर गया क्वेश्चन कि 1917 की रूसी क्रांति के किस नाम से जाना जाता, तो फरवरी क्रांति होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है कि समाजवाद शब्द का पहला प्रयोग कब हुआ था, 1789, 1827 में, 1830 में, 1833 में। तो समाजवाद शब्द का पहला प्रयोग जो हुआ था कब हुआ था, 1827 में होता। तो ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर हो जाएगा, 1827। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, ब्रिटेन में, फ्रांस में, रूस में, जर्मनी में। तो चार्टिस्ट आंदोलन जो था ये कहाँ हुआ था, ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है कि फांसीवादी समाजवाद के विकास का जन्मदाता था, फूरिये, रॉबर्ट ओवन, कॉल मार्क्स, सेंट साइमन। तो फांसीवादी समाजवाद के जो विकास का जो जन्मदाता था कौन था, सेंट साइमन था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेंट साइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन पे कि स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था, रॉबर्ट ओवन, के कॉल मार्क्स, एंजल्स, लेनिन। तो स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक था कौन था, रॉबर्ट ओवन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है, 53 नंबर क्वेश्चन है कि यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था, लुई ब्लो, सेंट साइमन, कॉल मार्क्स, रॉबर्ट ओवन। तो यहाँ जो यूटोपियन समाजवादी नहीं था, कॉल मार्क्स नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कॉल मार्क्स। आप बताइएगा कि 53 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।